Lahore is the capital city of Punjab, and with home to a population of more than 1 crore, is the second largest metropolitan city in Pakistan. Lahore Zoo is the fourth oldest zoo in the world, and with an annual visitor rate of about 3 million, the zoo still faces a lot of problems. So we as a team went to the zoo to look at the situation ourselves and see what we could do to help. So as you can see, cleanliness is one of those major problems. There was tons of garbage everywhere we went, and the staff weren't doing anything about it, at least nothing that was making a big difference. And on top of that, people were throwing trash everywhere without a care in the world. Each and every one of us was very sad to see this, so we took it upon ourselves to clean as much as we could. There's also a severe lack of awareness among the visitors. Even though there are signs clearly stating not to give animals food, people still give them whatever junk food they might have with them and even throw food inside their cages. Our team also handed out brochures to people so that they could take their time to read it and hopefully practice better behavior towards these animals in the future. आप जू आते रहते हैं अक्सर जी अक्सर आते हैं बच्चों के साथ बच्चों को घुमाने फिराने के लिए आते रहते हैं कभी आपने यहाँ पे आके जानवरों को अपने हाथ से खाना खिलाया हाँ जी खिलाते हैं अक्सर बच्चे भी खिला देते हैं अपने हाथ से बिस्किट्स और कोई चीज़ मंकीज़ वगैरह को जानवरों को यानी कि आप उनके केज में जो खाना बिस्किट वगैरह होता है आपको फेंक देते हैं जी आप इस कैंपेन के बाद आपका आप खिलाएंगे इनको खाना के जब आपको पता चले कि नुकसान आपके हैं इनके नहीं जी इंशाल्लाह और वो जो आपको एक और आपने कि जो कोई और कर रहा हो आपने उसको भी रोकना है कि उनको खाना ना जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दे विल ट्राई थैंक यू थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच And lastly is the food waste management. Meat is put out for the animals and the uneaten meat starts to rot inside the cage. A simple solution to this would be to place the uneaten meat outside with the trash for stray dogs to eat. हम एनिमल कीपर है हमारा वो जानवरों का काम है उसको ना खुराक डालनी उसकी सफाई करनी बता सेहत की देखभाल करनी और कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो बता इसका जो वेस्ट होता है इसका मतलब आप पिंजरे से क्या सफाई करते हैं बैठे मतलब एक गोश्त डालते हैं ना उसकी हड्डी निकाल ली ठीक है पानी चेंज कर ली भी डाल देते हैं हमारा मतलब ये वो चीज़ नहीं है चंगा बनाया था बड़ा आपसे भी बात करने का मतलब ये कि ये चीज़ आपको बताएं आपको ऑलरेडी पता है मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे पहले पड़ी होती है ना एक चीज़ उसको देख के दूसरे भी फेंक देते हैं ठीक है हम पीछे से वो सारा सफाई कर रहे हैं देखना ये चूड़ा क्यों फेंकते हैं मैंने कहा है हमने कहा उन्होंने कहा सॉरी आपसे हमारी बहस ही नहीं आप तो वही जो हम काम कर रहे हो कुछ लोग बोलते नहीं आगे से लड़ते भी हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ कि भाई वो बोलते हैं तो आप करो आपका वो इखलाकी फर्ज है कि यार उसको ये तो वो उसकी यानी कि जिसे कह लो ना कि उसकी तरबियत है वो जो शो कर रहा है वही गाल कर रहे हैं ना ओके जी